वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 4। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 4.3। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, इक्वेशन फर्स्ट, 2y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल 37 अपॉन 2। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन है हमारे पास और अभी तक हमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं। अब हम करेंगे 2y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल 37 अपॉन 2। नाउ अब जो 5 अपॉन 2 है ये प्लस में है, दैट मीन्स कि एडिशन में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। अब जब इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड ही अगर प्लस में है तो राइट हैंड साइड जब आएगा तो ये इसके जो साइन है चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो 37 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2। अब यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गए डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर में, तो अब हमारे पास 2 है, सेम है, दैट्स वे हम इसको वन टाइम लिख के 37 माइनस 5 अपॉन 2, 2y इक्वल 37 माइनस 5 इक्वल 32 इक्वल अपॉन 2, 2y इक्वल 32 अपॉन 2। नाउ 32 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 16, 2y इक्वल 16, y इक्वल 16 अपॉन 2, 2 एट जो 16, देयरफॉर वैल्यू फॉर y इज 8। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, 5t प्लस 28 इक्वल 10, 5t प्लस 28 इक्वल 10, 5t इक्वल 10। अब यहाँ पे जो 28 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 28, 5t इक्वल 18, बिकॉज जो 28 है वो ग्रेटर है और उसके साथ में माइनस है, देयरफॉर वी विल ऐड द 8, 18 माइनस t इक्वल माइनस 18 अपॉन 5। अब ये जो डिवाइड नहीं होंगे कम्प्लीटली, देयरफॉर हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर सी, a अपॉन 5 प्लस 3 इक्वल 2। नाउ अब ये प्लस में 3 है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, a अपॉन 5 इक्वल माइनस 1, बिकॉज 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 तो 1 होता है, बट 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा बिकॉज जो 3 है उसके साथ में माइनस है, a अपॉन 5 इक्वल माइनस 1। अभी तक हम ये देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड जा रहा था प्लस तो वो माइनस में हो रहा था और माइनस जा रहा था तो वो प्लस में हो रहा था। अब यहाँ पे डिवाइडिंग है तो इस 5 को ये डिवाइडिंग में है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, a इक्वल माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, a इक्वल 5 वन जा 5 एंड माइनस 5, तो a की वैल्यू आएगी माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर ई, 5 अपॉन 2 एक्स इक्वल माइनस 10। नाउ 2 ये डिवाइड में है दैट्स वाई इसको राइट हैंड साइड जब हम लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5x इक्वल माइनस 10 मल्टीप्लाई 2, 5x इक्वल 10 टू जा 20 माइनस में 5x। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इसको जब राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल माइनस 2 अपॉन 5 एंड 5 फोर जा 20, देयरफॉर x इक्वल माइनस 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर डी, a अपॉन 4 प्लस 7 इक्वल 5। अब प्लस का 7 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 7, 5 माइनस 7, q अपॉन 4 इक्वल 5 माइनस 7, q अपॉन 4 इक्वल माइनस 2। नाउ ये 4 अब डिवाइड में है दैट्स वे राइट हैंड साइड में जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, q इक्वल माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, 4 टू जा 8, देयरफॉर वी हैव वैल्यू q इक्वल माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर ए, 2 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 4 इक्वल 12। अब यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में है और ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड के डिवाइड में चला जाएगा ये 2, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 4 इक्वल 12 अपॉन 2, एक्स प्लस 4 डिवाइड करेंगे आएगा 6, एक्स प्लस 4 इक्वल 6। नाउ x इक्वल 6 माइनस 4, बिकॉज जो 4 था वो प्लस में था और इसको जब राइट हैंड साइड लेके आए तो ये हो गया माइनस में, x इक्वल 6 माइनस 4 इक्वल x इक्वल 2। नाउ b, 3 इन द ब्रेकेट n माइनस 5 इक्वल 21। अब जो ये 3 है ये मल्टीप्लाई में है, हम इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 5 21 अपॉन 3, n माइनस 5 3 7 जा 21, देयरफॉर n माइनस 5 इक्वल 7,
n इक्वल 7 प्लस 5 बिकॉज जो माइनस 5 है वो राइट हैंड साइड जाके प्लस में हो जाएगा, n इक्वल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 3 इन द ब्रैकेट n माइनस 5 इक्वल माइनस 21। अगेन ऐसे ही करेंगे हम, n माइनस 5 इक्वल माइनस 21 अपॉन 3, n माइनस 5 इक्वल 3 7s are 21 तो है बट ये जो माइनस है वो भी इसी के साथ रहेगा, n इक्वल माइनस 7 प्लस 5। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, जो माइनस और प्लस है वो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर हम 7 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, वो भी माइनस का, बिकॉज जो 7 है वो ग्रेटर नंबर है और उसके साथ में माइनस है, देयरफॉर जो n की वैल्यू है वो आएगी माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, माइनस 4 इन द ब्रेकेट 2 प्लस एक्स इक्वल 8, 2 प्लस एक्स इक्वल 8 अपॉन माइनस 4, जो ये 4 हम इधर लेके आए राइट हैंड साइड वो पूरा माइनस 4 के साथ में आएगा, माइनस भी आएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन माइनस 4। अब 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, 2 प्लस एक्स इक्वल माइनस 2। नाउ एक्स इक्वल माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएंगे 0, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर ए, 4 इक्वल 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 2। अब यहाँ पे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड इस तरह की इक्वेशन थी बट अब हमारे पास अब राइट हैंड साइड है। देखते हैं 4 इक्वल 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 2। अब हम ये करेंगे कि राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं वो वाली प्रॉपर्टी से। 5 का मल्टीप्लाई हम p में करेंगे तो 5p माइनस 5 2s are 10। अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 4 इक्वल 5p माइनस 10। नाउ अब ये जो 10 है ये माइनस का है, अब हम इसको राइट हैंड साइड लेके सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 इक्वल 5p, 10 प्लस 4 14 इक्वल 5p, 5 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 14 अपॉन 5 इक्वल p, पी इक्वल 14 अपॉन 5। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, माइनस 4 इक्वल 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 2। अगेन हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई p माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 5p माइनस 5 2s are 10। अब जो राइट हैंड साइड माइनस 10 है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 10 इक्वल 5p, 10 माइनस 4 6। अब 6 के साथ माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि जो 10 है ग्रेटर है और उसके साथ में प्लस है, तो 6 इक्वल 5p, 6 अपॉन 5 इक्वल p, p की वैल्यू आ जाएगी p इक्वल 6 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर सी, 16 इक्वल 4 प्लस 3 इन द ब्रैकेट t प्लस 2। 16, अब यहाँ पे 3 और इसको पहले सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 into t plus 3 into 2, 3t plus 6। अगेन 4 प्लस, अब यहाँ पे प्लस है अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 प्लस 6 प्लस और 3t प्लस, अब ये हो जाएंगे 4 प्लस 6 10 प्लस 3t। अब 10 जो है राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 10 इक्वल 3t, 16 माइनस 10 इक्वल 6, 6 इक्वल 3t, ये मल्टीप्लाई में है 3 तो डिवाइड में जाएगा 6 अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल टी, 3 2s are 6 और हमारे पास जो t की वैल्यू है वो आ जाएगी 2। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 4.3 इज कम्प्लीटेड एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 4.4। नाउ एक्सरसाइज 4.4 वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, सेटअप इक्वेशन। यहाँ पे जो हमें दिया होगा उसमें हमको इक्वेशन सेटअप करनी है एंड सोल्व देम, फिर उसको सॉल्व करना है एंड देन फाइंड द अनोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केस। और फिर जो हमें हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो करते आ रहे हैं एक्स और एम की वैल्यू निकालते हैं वही हमें यहाँ पे भी करना है इस केस में। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। सी द सॉल्व, लेट द नंबर बी एक्स। पहले हम एक नंबर ले लेते हैं एक्स, अब यहाँ पे हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने बोला एड 4 दैट मीन्स की प्लस 4 टू 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 8x
प्लस फोर इक्वल और मिल क्या रहा है हमें, यू गेट 60, तो हमें 60 मिलता है, डेट मीन्स की इक्वल 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्लस फोर है, राइट हैंड साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 8x इक्वल 60 माइनस फोर, 8x इक्वल 56, x इक्वल, अब जो 8 है मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56, देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। यहाँ पे ही आपका a वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं b वाला, 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 3, लेट द नंबर बी y। अब यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं y, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल y अपॉन 5, y अपॉन 5 बिकॉज 1/5 दैट मीन्स की 1 अपॉन 5, तो y अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस 4 करना है, माइनस 4 इक्वल गिव्स क्या देता है ये इक्वेशन हमें 3, तो y अपॉन 4 माइनस 4 इक्वल 3, माइनस का 4 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, वी विल गेट 7, y अपॉन 5 इक्वल 7, y इक्वल अभी जो डिवाइड में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, y इक्वल 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जो 35, y इक्वल 35। क्वेश्चन नंबर सी, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। अगर मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ 3/4, पहले तो हम ये देखते हैं कि लेट दी नंबर बी z। अब यहाँ पे हमने z ले लिया, हम x y कुछ भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/4 z और नंबर एंड एड 3, अब हमें करना है 3 ऐड करना है, दैट मीन्स की उसमें 3 को ऐड करना है, प्लस 3 करना है, इट गेट 21, फिर हमें मिलता है 21। तो ये इक्वेशन बनती है कि 3/4z प्लस 3 इक्वल 21। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है कि जो प्लस 3 था उसको मैं राइट हैंड साइड लेके आई तो वो हुआ माइनस 3, 3/4z इक्वल 21 माइनस 3 इक्वल 18। नाउ अब ये 4 जो है डिवाइड में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3z इक्वल 18 मल्टीप्लाई 4, 18 फोर जा 72, 3z इक्वल 72। अब जो 3 है मल्टीप्लाई में या अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा z इक्वल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर डी, व्हेन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम अ ट्वीज दैट मीन्स की 2x, या फिर जो हम नंबर ले रहे हैं x, ट्वीज दैट मीन की 2x, सब्सट्रैक्ट 11, 2x माइनस 11, द रिजल्ट वॉज 15, 2x माइनस 11, 15, 2x इक्वल 15 प्लस 11, 2x इक्वल 26, x इक्वल 26 अपॉन 2, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, therefore value of x इक्वल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, मुन्ना सब्सट्रैक्ट 3x द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लेट द नंबर बी m, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 माइनस 3m, दैट मीन्स की थ्राइस ट्वीज दैट मीन्स की 2 एंड थ्राइस मतलब कि 3m माइनस करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलता है रिजल्ट टू बी 8, तो रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है 8, 50 माइनस 3m इक्वल 8। नाउ 50 लेफ्ट हैंड साइड प्लस में है, राइट हैंड में साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 50 माइनस 3m इक्वल 8 माइनस 50, माइनस करेंगे वी विल गेट 42, वो भी माइनस का बिकॉज जो ग्रेटर नंबर है 50 उसके साथ में है माइनस, माइनस 3m इक्वल माइनस 42। नेक्स्ट जो माइनस 3 है वो मल्टीप्लाई में है, देयरफॉर राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, m इक्वल माइनस 42 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कट हो जाएंगे एंड 42 जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट 14, देयरफॉर m की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है हमें 14। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ इब्ने हाल थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड 19 टू इट एंड डिवाइड द सम बाय 5 शी विल गेट 8। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द नंबर बी n, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8's 19, तो पहले n प्लस 19 एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और जो ये सम है इसको हमें करना है डिवाइड 5 से एंड वी विल गेट 8। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी n प्लस 19 अपॉन 5 इक्वल 8, जो 5 है वो डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 5 40, n प्लस 19
इक्वल 40, अब जो 19 है वो प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, n इक्वल 40 माइनस 19, देयरफॉर n माइनस 21, n इक्वल 21, जो n की वैल्यू है वो हमें मिलेगी 21. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर जी, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23. रिजल्ट दैट मीन्स कि जो इक्वल में आता है वो. लेट द नंबर बी x, यहाँ पे हमने x लिया. नेक्स्ट स्टेप है हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया है हमें 5/2 x अवे फ्रॉम, दैट मीन्स कि माइनस 11/2 इक्वल, सॉरी 11/2 प्लस 7, 5/2 प्लस x इक्वल 11 प्लस 14/2, क्योंकि जो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है इसलिए 2 7 14 हो जाएगा. 11 प्लस 14/2, 5/2 x इक्वल 11 प्लस 14 25 अपॉन टू. अब ये जो 5/2 है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो ये 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 25 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 25 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट हो जाएंगे एंड 5x इक्वल 25 x इक्वल 25/5, देयरफॉर 5 5 जो 25,